हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, यह टूर्नामेंट का पांचवा यानी लास्ट वीडियो है। इसमें मैं आज चैलेंज टूर्नामेंट क्या है एंड इसके दोनों प्रकार लैडर प्रकार एंड पिरामिड प्रकार के बारे में डिटेल में बताऊंगी दोस्तों। एंड दोस्तों, इसके पहले जो चार वीडियो हैं टूर्नामेंट के, उसमें मैं टूर्नामेंट के सभी पार्टों की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर किए हैं। टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है, कितने प्रकार का होता है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, कैसे फिक्सर डाला जाता है एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या है, इन सभी के बारे में पिछले सभी वीडियो मैंने बता दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं, चैलेंज टूर्नामेंट। दोस्तों, यदि चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा रहे दोस्तों। क्योंकि मैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। तो चलिए जानते हैं चैलेंज टूर्नामेंट के बारे में। दोस्तों, चैलेंज टूर्नामेंट, जैसा कि चैलेंज शब्द से ही लग रहा है कि इसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करता है और दूसरा खिलाड़ी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। यानी ये एकल खेलों में अधिक प्रयोग होता है, जिसमें एक या दो खिलाड़ी या सिंगल्स डबल्स खेला जाता है, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, स्क्वैश। दोस्तों, ये बिना किसी निर्धारित समय अवधि के लंबे समय तक आयोजित किए जाते हैं। यानी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को चैलेंज करता है और दूसरा खिलाड़ी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। प्रत्येक खेल के चैलेंज टूर्नामेंट व चैलेंज राउंड के नियम जो है संबंधित फेडरेशन या संघ तय करती है और खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया में यह क्या है, सहायक होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, यानी चैलेंज टूर्नामेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैडर प्रकार यानी लैडर टाइप, पिरामिड प्रकार यानी पिरामिड टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं लैडर प्रकार की। दोस्तों, जैसा कि आप तो जान लिए, एकल खेलों में ज्यादा प्रयोग होता है और यह पूर्व प्रदर्शन के आधार पर क्रमवार रैंक देकर इनके कार्ड बनाए जाते हैं। यानी ताश के पत्ते के समान वर्गाकार कार्ड बनाए जाते हैं। अगर पूर्व प्रदर्शन की जानकारी नहीं है तो लॉटरी पद्धति के आधार पर क्रमवार रैंक दिया जाता है और कार्डों को वरीयता के आधार पर सीढ़ीनुमा आकृति पर लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इसका नियम क्या है कि दो ऊपरी कार्ड वाले को चैलेंज कर सकता है, जैसे चित्र में है, जैसे यह किसको चैलेंज कर सकता है, अपने से दो ऊपर वाले को, यानी कि जी को कर सकता है। जी किसको कर सकता है? ई और डी को कर सकता है, जैसे एफ अपने से दो ऊपर वालों को यानी आई और जी को कर सकता है। जी किसको कर सकता है? अपने से दो ऊपर वाले को, ई और डी को कर सकता है। उसी प्रकार इसी तरह अपने से दो ऊपर वाले को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, दो ऊपरी कार्ड वाले चैलेंज, दो ऊपरी कार्ड वाले को चैलेंज किया जा सकता है। जैसे कि किसी खिलाड़ी द्वारा किसी खिलाड़ी को चैलेंज करने पर प्रतिद्वंदी को दो दिन के अंदर मैच खेलना पड़ता है, अन्यथा चैलेंज करने वाले को विजयी घोषित करके उनके कार्ड आपस में बदल दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए नौ खिलाड़ी को प्रदर्शन स्तर के आधार पर उनके कार्ड को निम्न प्रकार लगाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यदि दोस्तों जी ई को चैलेंज करता है, यानी दो ऊपरी वाले रैंक को वो चैलेंज कर सकता है, तो जब जी ई को चैलेंज करता है तो ई को दो दिन का समय दिया जाएगा। यानी ई के पास डी को चैलेंज का मौका है। यदि ई डी से जीतता है तो ई डी के स्थान पर और जी का चैलेंज स्वतः समाप्त हो जाता है। जी को ई को चैलेंज के पश्चात अगर जी ई से जीत जाता है तो जी ई के स्थान पर आ जाता है और हारने पर अपने स्थान पर ही रहता है, वह ई को दोबारा से चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा लैडर प्रकार।
अब दूसरा प्रकार है पिरामिड प्रकार, पिरामिड टाइप, इसको फ्यूनल टूर्नामेंट भी कहा जाता है। खिलाड़ी की कम्युलेटिव क्षमता देखी जाती है इसमें। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भी एक स्लैब होता है, यानी कि लैडर टाइप का अग्रिम रूप होता है। जैसे लैडर टाइप में आप देखिए एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, अपने से दो ऊपर वाले को, उसी प्रकार इसमें भी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक स्लैब होता है, एक स्लैब में कई प्रतियोगी होते हैं और ऊपर के स्लैब में इसको इसमें पहुंचना पड़ता है अपना रैंक सुधारने के लिए। तो ऊपर के स्लैब में जाने के लिए रैंक सुधारना पड़ता है, यानी पहले अपने स्लैब के सभी खिलाड़ी को हराना पड़ेगा, फिर ऊपर के स्लैब पर स्थित खिलाड़ी में से पहले किसी एक को चैलेंज करना पड़ेगा, और एक को चैलेंज करने के बाद जीतने पर ऊपर वाले स्लैब में पहुंच जाएगा। यह प्रक्रिया सबसे ऊपरी स्लैब तक पहुंचने पर होगी, यानी चलेगी। तो यह पिरामिड प्रकार भी, पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉबवेब टूर्नामेंट। किंग्स टूर्नामेंट जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक स्लैब होगा, उस स्लैब के ऊपरी रंग में जाने के लिए निचले वाले स्लैब के खिलाड़ियों को चैलेंज करना पड़ेगा, उन सबको हराना पड़ेगा और तब आप अगले स्लैब में पहुंचेंगे। इसी प्रकार सबसे ऊपर स्लैब में पहुंचते तक ये प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। दूसरा है कॉबवेब टूर्नामेंट, इसको स्पाइडर वेव विधि भी कहा जाता है। दोस्तों किस चीज को क्या कहा जाता है आप विशेष रूप में ध्यान रखिए। कॉबवेब टूर्नामेंट स्पाइडर वेव विधि, यानी खिलाड़ी को मकड़ी के जाले के समान चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। खिलाड़ी को मकड़ी के जाले के समान चक्र के धागों पर स्थान दिया जाता है और अंदर चक्र में जाने के लिए, जैसे सबसे अंदर चक्र में जाना है तो सबसे अंदर पर जाने के लिए जितने भी इधर के चक्र हैं उन सबको हरा के ही तो जाना पड़ेगा। अंदर चक्र में जाने के लिए अपने चक्र के अन्य खिलाड़ी को हराना पड़ता है, फिर अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जो सबसे अंदर चक्र में पहुंच जाता है वही शेष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी होता है। तो सबसे अंदर वाले खिलाड़ी शेष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी है। तो दोस्तों यही था आपका चैलेंज टूर्नामेंट। यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि चैलेंज टूर्नामेंट किन खेलों में प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चैलेंज टूर्नामेंट कहते किसे है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चैलेंज टूर्नामेंट कितने प्रकार का होता है, एक क्वेश्चन बन सकता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि पिरामिड टूर्नामेंट या लैडर टूर्नामेंट किस टूर्नामेंट का भाग है, या इस प्रकार से भी बन सकता है कि पिरामिड टाइप कितने प्रकार का होता है। तो ये सब क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं दोस्तों। तो ये था चैलेंज टूर्नामेंट, जो आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। ये टूर्नामेंट का टॉपिक्स आपका समाप्त हुआ। एंड दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। एंड दोस्तों किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उन सब वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। एंड दोस्तों बस आप मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड जो भी दोस्तों टॉपिक बचा हुआ है, चाहे इंजरी हो, डोपिंग हो, मसाज हो, एंड डिजीज हो, एंड जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं सबको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी, और उसके बाद ही एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाऊंगी। तो दोस्तों बस आप प्रिपेयर करते रहिए और पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।